Good morning, all of you. This is Mr. Pizzatitus from Salam Classes. So, today we are going to discuss about grammatical concept. We will discuss about grammar, and the first chapter is called a sentence. Okay. That's very simple. When we begin the grammar, so first of all, we have to know the sentence. So, what is sentence? In a one-line definition is there, a group of words like this, which make complete sense, is called a sentence. Okay? Group of word. Suppose we may think about English letter. Okay, so letters, when the letters are combined together, that becomes a word, and when the word becomes together, and that makes a sentence. But remember one thing, if the words are joining together, if there is no any sense or there is no any means, that cannot be say sentence. So before entering to this video lecture, I would like to request you, if newly you are watching, so please subscribe this channel. At the same time, hit the bell icon also. The pictures are very simple, and according to the these pictures, we may see that. So first of all, we will see the sentence, then after we may see kinds of sentence, then after we may see subject and predicate, then after we will go to exercise. Okay, as I told you, jaise ki maine aapko bataya ki agar sentence कई सारे शब्दों का समूह से बनता है, और शब्द जो है कई सारे लेटर का समूह से बनता है, लेकिन लेटर का समूह यदि कोई अर्थ प्रकट नहीं करे तो उसे वर्ड नहीं कहा जा सकता, या वर्ड जब एक मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड बन जाए लेकिन उसमें कोई सेंस नहीं निकले, कोई मतलब नहीं निकले, तो भी उसे सेंटेंस नहीं कहा जा सकता। तो एग्जाम्पल के रूप में हम कई बात को देख सकते हैं। हम्पटी डम्पटी सेट ऑन ए वॉल, ठीक है, ये जो शब्द है इसमें हम्पटी डम्पटी सेट ऑन ए वॉल, ये एक मीनिंग निकलता है, एक सेंस निकलता है, इसलिए इसको हम सेंटेंस कहते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, इफ देर इज नो एनी सेंस in a group of word, that may not say the sentence. So now we may know that the kinds of sentence. Okay, so abhi hum dekhe ki kinds of sentence. So there are mostly four kinds of sentence. Number one is assertive sentence. Number two is interrogative sentence. Number three is called the sentence of imperative, and number four that is called exclamatory. ठीक है, चार प्रकार का sentence होता है। एक तो assertive और declarative sentence होता है, ठीक है, और दूसरा जो है interrogative sentence होता है, उसके बाद फिर इम्परेटिव सेंटेंस होता है, उसके बाद फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ठीक है। ये असर्टिव सेंटेंस क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या है। जो स्टेटमेंट या असर्शन को देता है, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट का मतलब गवाह होता है, अपनी आंखों देखी बातों को कहना होता है, समथिंग दैट यू हैव सीन बाय योर आई एंड यू से दैट आइदर देर इज येस और नो, देर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस में भी दो भाग होंगे,
एक तो पॉजिटिव होगा एक तो नेगेटिव होगा। जिन वाक्यों में नो नॉट नॉन इस प्रकार का शब्द को इस्तेमाल किया जाता है इन सभी को नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यदि और उन वाक्यों में इन सभी शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है तो फिर वो पॉजिटिव वाले वाक्य होता है। सो जो सेंटेंस असर्टिव और डिक्लेरेटिव है उसका भी दो भाग हो गया, जैसे कि नेगेटिव और पॉजिटिव। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो सेंटेंस है ये बयान देने वाले वाक्य कहा जाता है, ठीक है, हाँ या ना के रूप में। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल, आप एक वॉल को देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। इस वॉल के ऊपर क्या है, हम्प्टी डम्प्टी क्या कर रखी है, बैठी हुई है, ठीक है, हम उसे देख रहे हैं, है ना, और उसकी गवाही को भी दे रहे हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जो सवाल करता हो, है ना, दोज विच आस्क क्वेश्चंस, द सेंटेंस विच ऑलवेज आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए किस किस चीज़ों का जरूरी है, वेयर हाउ विच है व्हाट व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडिंग फॉर आस्किंग क्वेश्चन। सो व्हेन वी सी सच काइंड ऑफ वर्ड वी मे अंडरस्टैंड दैट दिस इज क्वेश्चनिंग वर्ड और क्वेश्चनिंग सेंटेंस। क्वेश्चनिंग सेंटेंस में हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वेयर डू यू लिव, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पूछ रहा है, उस दशा में हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, है ना। फिर थर्ड में आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, अब इम्परेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस इट इज रिक्वेस्ट आइदर कमांड, ओके, इट इज रिक्वेस्ट आइदर कमांड और सजेशन और सम वेज दैट इज ऑब्जेक्टिव ब्लेसिंग वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड व्हाट इज दिस इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या करता है कि कमांड देता है, रिक्वेस्ट करता है और साथ ही साथ उपदेश देता है, मतलब सजेशन देता है, ठीक है। जैसे कि कमांड के रूप में हम देखें कीप क्वाइट, है ना, कीप क्वाइट ये के कमांड हो जाता है, स्टैंड अप ये के कमांड हो जाता है, गो देयर ये के कमांड हो जाता है। एक वर्ब शुरुआत जो है, वर्ब से एक वाक्य का शुरुआत होता है, ठीक है, गो देयर, और उसमें और एक एडवर्ब को देखा जाता है या एडवर्ब को देखा जाता है, ऐसे स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं, कमांड से संबंधित वाक्य कहते हैं, ओके। सो रिक्वेस्ट क्या चीज़ होता है, समथिंग यू रिक्वेस्ट टू अदर, ओके, मैं आई हैव योर पेन प्लीज, दिस इज कॉल्ड व्हेन वी यूज वर्ड ऑफ प्लीज एंड काइंड्स, ओके, दिस इज कॉल्ड अ रिक्वेस्टिंग सेंटेंस, ओके। जब हम प्लीज और काइंडली ये सभी शब्दों को उपयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं तो ये एक रिक्वेस्ट वाले वाक्य बन जाता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव हाफ मर्सी अपन अस, यानी एक प्रकार का जो क्या कह सकते हैं उसको, आशीर्वादित शब्द जो है ना, इन सभी को हम देखते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, यू मे लिव लॉन्ग, इस प्रकार वाली वाक्य को क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, जो कि इसके अंतर्गत होता है, किसके अंतर्गत होता है, इम्परेटिव के अंतर्गत होता है। उसके बाद फिर हम देखते हैं सजेशन देने वाले वाक्य भी होता है जो भी इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। आफ्टर दैट वी मे सी दैट द सजेशन जो वाक्य होता है वो भी इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत होता है। जैसे कि हम एक सेंटेंस को देखते हैं,
do not play with fire, do not play with knife, है ना, ये सभी सजेशन होता है, हैं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, ये उपदेश होता है. ऑल द थिंग्स, ऑल द सेंटेंसेस आर इंक्लूडिंग ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस. इम्परेटिव सेंटेंस दैट गिव्स कमांड, दैट मेक रिक्वेस्ट एंड दैट गिव्स सजेशन एंड दैट गिव्स सम ब्लेसिंग्स ऑल्सो. Number four, that is one of the sentence is called exclamatory sentence. A sentence that express strong feeling, okay? A sentence that express strong feeling. Strong feeling कहे तो क्या समझ सकते हैं? Sometime we get angry, sometime we get happy, sometime we get excited, sometime we have some astonishment. और समटाइम देर इज सरप्राइज फॉर अस, है ना. कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कभी हमारा पास क्या होता है कि कोई चीज़ आश्चर्यजनित बात हो जाता है. तो ऐसे समय पर जो सेंटेंस का उपयोग होता है उसी को ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ कोल्ड द नाइट इज, यह एक फीलिंग होता है, ठीक है. जैसे कि कोल्ड होते समय जो हमारे अंदर से जो भाव निकलता है, जो फीलिंग्स निकलता है, उसी में क्या बनता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है. व्हाट इज द सेम, यानी कितनी लज्जा की बात है, है ना. ये एक दुख, सॉरी, एक लज्जा भरी एक भावना है, और इसी के चलते यहाँ पे क्या बन जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है. तो लाइफ में जो सुख दुख, विजय पराजय, ये सभी समय में जो अनुभव होता है, उस अनुभव से लेकर के जो हम सेंटेंस को बोलते हैं उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है. तो बच्चों, यहाँ पे हमने देख लिया कि हमारा जो सेंटेंस का प्रकार जो है पूरा हो गया. जैसे कि मैं फिर से और एक बार पढ़ देता हूँ. ए सेंटेंस दैट मेक स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. जो सेंटेंस बयान देता है उसी को डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है. ए सेंटेंस सेकंड, ए सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जो सेंटेंस सवालों को पूछता है उसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है. A sentence that expresses a command or an entreaty is called an imperative sentence. जो sentence command करता है, request करता है, और entreaty यानी blessing देता है, या तो फिर सुझाव देता है, suggestion देता है, उपदेश देता है, ऐसे वाले वाक्य को imperative sentence कहा जाता है. A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. जो sentence क्या करता है, एक strong feeling देता है, यानी एक सख्त अनुभव को हमारे अंदर देता है, और इसी को हम exclamatory sentence कहते हैं, जो थोड़ी देर पहले आपको समझाया था. तो यहाँ पे subject and predicate, ठीक है. ये subject क्या चीज़ होता है, सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है, एंड प्रेडिकेट क्या चीज़ होता है, इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. उसका एक छोटा सा परिचय मैं देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसके बारे में आगे देखेंगे, है ना. व्हेन यू मेक ए सेंटेंस, जब हम कोई सेंटेंस को बनाते हो, वी नेम सम पर्सन और थिंग, ओके. जब कोई भी सेंटेंस को हम बनाते हैं तभी कोई व्यक्ति का या थिंग्स का नाम को ज़रूर हम उसमें मेंशन करते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद क्या होता है, एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग. जो पर्सन को, जो थिंग्स को हम अपने सेंटेंस में मेंशन किया है, करते भी है, फिर उसके बाद तो उसी पर्सन और थिंग्स के बारे में कहते हैं. तो ऐसे समय पर जो पर्सन और थिंग्स को हमने अपने सेंटेंस में रखा उसी को तो सब्जेक्ट कहती है, ओके. We mention the name of the person or thing, that is called a subject.
and we are telling about the person or thing, that is called a predicate. In other word, we must have a subject to speak about, and we must say or predicate something about that subject. Hamara paas ek subject hona zaruri hai, aur subject ko vyakhya karne ke liye subject ke bare mein jo bola jata hai, jo khand hai, usi ko predicate kaha jata hai. जैसे कि प्रत्येक सेंटेंस दो भागों में बांटे जाते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. द पार्ट विच द नेम और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस का वो पार्ट है जिस पार्ट में क्या होता है, जिस पार्ट में सब्जेक्ट होता है, सॉरी जिस पार्ट में नाम होता है किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का, तो जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं. और सेंटेंस का सेकंड पार्ट होता है द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. फिर उसके बाद जो सेंटेंस को क्या किया जाता है, जो सेंटेंस का भाग है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है उसी को प्रेडिकेट कहा जाता है. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम थोड़ा आगे और भी बहुतायत रूप से उसके बारे में हम विचार करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही है. थैंक यू. मे गॉड ब्लेस यू.